मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। यहाँ पर मैथ, साइंस और इंग्लिश 7th, 8th, 9th and 10th की स्टडी इस पर होती है, ठीक है, और हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के साइंस चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। चलिए उसके कुछ दूसरे पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। 10th क्लास का प्रकाश ऑफ परावर्तन और हिंदी मीडियम में बिल्कुल बेसिक से नए अंदाज में। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसी पदार्थ, देखिए उसमें हम लोग पढ़े थे आपका अभिसारी किरण पुंज तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु क्या होती है? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे में कांच, दूसरा है पानी, हवा आदि। तो देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आप एक लाइट ले लीजिए, ठीक है, टार्च, जिसको टार्च बोलते हैं, ठीक है, टार्च ले लीजिए और कोई भी ऐसा सा पदार्थ लीजिए जिसमें से इधर से एक साइड से प्रकाश को डालने से दूसरे साइड में प्रकाश दिखाई दे, यानी निकल कर दूसरे साइड प्रकाश चला जाए, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है पारभाषी। ठीक है, पारभाषी क्या होता है? पारभाषी यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। चलिए, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही अपने सोकर जाने देता है उसे पारभाषी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो प्रकाश है धुंधला धुंधला दे जाए, ठीक है, पूरी तरह से नहीं जाता है, धुंधला यानी थोड़ा सा ही उसका भाग जाता है। जैसे कि आपको घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ओके, उसके बाद है बैलून का रबड़, रक्त, ब्लड, खून, यह दूध, बादल और भी सारे आदि हो सकते हैं, ठीक है, कुहासा हो गया, हल्का हल्का कुहासा, धुआं, इसमें यदि प्रकाश को डाला जाए तो पूरी प्रकाश नहीं जाती है बट थोड़ा सा प्रकाश का भाग जाता है जिसे हम परभाषी कहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को इसको कॉपी पर लिखना है लिख लीजिए, ठीक है, नोटबुक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अपारदर्शी, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, पहले नोट ही कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए उसके बाद देखिए, अपारदर्शी मतलब वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आप टर्च लीजिए और किसी लकड़ी का गुटका ले लीजिए, ठीक है, गुटका, उस पर यदि प्रकाश को डालिए, देखिए उस इस साइड डालिए और उस साइड देखिए तो प्रकाश जा रहा है, नहीं जाएगा। लोहा में भी, पत्थर में भी और पेंट, ठीक है, पेंट में भी क्या होता है कि इस साइड से यदि प्रकाश को डाला जाए तो दूसरी साइड में प्रकाश नहीं निकलता, यानी प्रकाश नहीं जा पाता है, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएँ कहते हैं, ओके। चलिए देख लेते हैं अब दूसरा स्लाइड में, अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देख रहे हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कभी भी कि जो प्रकाश, जैसे आपको आपके घर में यदि थाली होगा, कोई बर्तन होगा, ठीक है, उस पर यदि लाइट को डालिएगा तो वो चिकना सतह होता है, वहाँ से डालिएगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी वहाँ से टकरा कर फिर वो प्रकाश मुड़ जाता है, उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को इसके बारे में और समझेंगे, पहले देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी इसमें नोट दिए गए हैं। जैसे अभी देखेंगे समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, ठीक है, जो समतल दर्पण है उस वो बहुत ही अच्छा
प्रकाश का परावर्तक है, उस पर प्रकाश रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और अच्छी तरह से। तब देख लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो समतल दर्पण होता है, वो कैसा होता है। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है, ठीक है। इसके एक सतह को रजित कर दिया जाता है, रजित में समझते हैं कलई कर दिया जाता है, उसको पेंट कर दिया उसको सिल्वर का एक परत चढ़ाकर उसको पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। यानी साधारण ये होता है, कोई भी यदि शीशा लेते हैं, कांच देखे ना, कांच कांच को ले लीजिए और एक एक उसके साइड को अच्छी तरह से रजित कर दीजिए, तो वो भी आपका समतल प्लेट यानी समतल दर्पण की तरह आपका व्यवहार करेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो आपको पतली सी दिखाई दे रही चांदी की पतली, यही है ये जो पतली सी दिखाई दे रही है ना बीच में, यही है आपका पतली सी, ठीक है। और ये उसको उस पर पेंट के रख दिया गया, ये उसको लाल पेंट की सुरक्षा परत है, उसको मतलब सुरक्षा करेगी ताकि इसमें कुछ स्क्रेच ना हो, ठीक है। और इस साइड आप देख सकते हैं चिकना सतह है, जिधर से हम लोग का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यानी उसको बढ़िया से देखना, तो आपको इस फिगर में देखिए, इधर जो इस तरह किया गया है, ये है पेंट किया गया यानी रजित किया गया, और इसके इस साइड ये सब क्या है, ये सब ये है परावर्तक सतह, ठीक है। चलिए देखते हैं किरण आरेख। किरण आरेख रे डायग्राम प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सब रे रे दिखा रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की किरणें को पथ दर्शाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है परावर्तन के नियम। चलिए आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, ये होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। चलिए प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी वापस मुड़ जाती है, वापस चली जाती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। कौन कौन देख लीजिए आप, कौन कौन है वो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, ठीक है ना, एक ही तल में होते हुए समतल में होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब ये समझ गए हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है दोनों, यानी कि आप लोग देखें कोण आई बराबर कोण आर वहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इसको अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं बढ़िया से। इधर देखिए आपतित किरण इंसिडेंट रे, ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि कोई किरण है, जैसे देखिए ये आपका एक ऐनक है यानी कि दर्पण है, ठीक है, और किरण देखिए ये आया और जैसे यहाँ के यहाँ पर आपतित हुआ, तो इस ये जो किरण आपको दिखाई दे रहा है इसको ही हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ओके। अब ये आपतन बिंदु, तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर जो प्रकाश पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, इसी बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी जब बिंदु पर जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से इसको बना देते हैं आपको फिगर को, थोड़ा देख लीजिए, देख सकते हैं
ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक, और ये हमारा हो गया किरण जो आ रही है, तो आपतित किरण हो गई, और देखिए यहाँ पर टकराई है ना, यहाँ पर टकराई है, तो ये हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। ओके, इसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु देख चुके हैं, परावर्तित किरण देखेंगे। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको आपको फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं, अभी नहीं, तुरंत पूरा समझाने के बाद उसके बाद आपको दिखा देंगे। दूसरा है अभिलंब, यानी किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंबों से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में क्या है कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं आपके लिए। देख लीजिए चित्र, जैसे कि आपका ये मिरर हो गया, ठीक। अब यहां से अब देखते हैं थोड़ा, सब किरण को अलग अलग से लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, क्या है, आपतित किरण। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम आपतन बिंदु हो गया, जिस सतह से आकर टकराई है, ये क्या गया हमारा आपतन बिंदु। और जब किरण आई और इसी माध्यम यहाँ से वापस फिर लौट गई, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये आई फिर इधर से वापस लौट गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ से हम लोग एक एक इस तरह से चिन्हित दिए, जिसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। और इधर देख रहे हैं ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और ये इस बिंदु पर अभिलंब है, इनके बीच जो एक कोण बन रहा है इसी को हम बोलते हैं कोण आई, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। और इस साइड आप देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण। ये है परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब, इनके बीच के बने हुए कोण को हम बोलते हैं कोण आर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, चलिए इसका फिगर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा फिगर। देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मिरर, ये आपका मिरर है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो ये किरण जा रही है यहाँ पर, ये है आपतित किरण, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसी को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इसके बीच में जो इसको देख रहे हैं डॉट डॉट का चिन्ह, ये होता है आपका लंब, नॉर्मल यानी अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण ये हो गया, ये आपका लंब अभिलंब हो गया, यहाँ पर जो बिंदु है आपतन बिंदु हो गया, इनके बीच में जो एक कोण बन रहा है आई, इसी को बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और इधर देखिए परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और जो ये मिरर दिखाई दे रहा है, ये मिरर है आपका समतल दर्पण, ओके। और यहाँ पर आपका आपतन बिंदु दिया गया है इस बिंदु को, ठीक है। इसीलिए जो आपका प्रकाश का जो परावर्तन का दूसरा नियम है, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा उसके बाद, ठीक है, इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या लिखना है ये भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं क्या लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा
कोण आई बराबर कोण आर, जो ये दूसरा का नियम, दूसरा रूल है, ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दिखाई दी, यहाँ से इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, ठीक है, कि समतल दर्पण पर जब लंबवत किरण पड़ेगी, जैसे कि आपको बता दें, एक मिनट इरेज कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा समतल दर्पण हुआ, तो इस पर जो प्रकाश नॉर्मल यानी कि सीधा पड़ता है तो क्या होता है, तो प्रकाश आएगा फिर टकरा कर इसी पर वापस चला जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।